अच्छा कल की एक दिन की रेस्ट होगी मुकम्मल, कुकिंग और सारा कुछ। और अभी थोड़ा सा सामान, टेबल चेयर और ट्राईपॉड मैंने रखा है ऊपर। भाईजान ने मुझे बताया कि गीज़र जाएं आप। गीज़र का रास्ता कितनी देर का आप बता रहे थे? गीज़र का रास्ता डेढ़ घंटा। दो से डेढ़ घंटे, 110 किलोमीटर वैसे टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है तो पता नहीं वहाँ कैसे मैं जाऊँगा लेकिन चलो देखते हैं, भी निकलते हैं। तो आज वहाँ जाऊँगा और फिर वापस इधर ही रात तक इंशाल्लाह, बल्कि शाम तक। रात की राइडिंग नहीं है इस शो में, रात को बिल्कुल बाइक नहीं चलानी अकेले बंदे को वैसे भी नहीं चलानी चाहिए। आज धूप नहीं निकली, मौसम ठंडा है बिल्कुल। लेट्स गो। 1050 का पेट्रोल करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम फुल हो गया था इसलिए वो बाहर निकलता है। तो अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 50 से 100 रुपए का वो डल सकता है, 9.28 लीटर, 1050 रुपए का डल गया फ्यूल। ये जगलोट से डलवाया था, जगलोट से हमजा अताबाद और वहाँ से वापस और फिर शहर के कुछ चक्कर। 9 लीटर लग गया, शुक्रिया भाई। हाँ, गिलगित शहर, ये NLI कैंट है, ऐसा कुछ कहते हैं इसको, NLI कैंट का एरिया। इसके लेफ्ट साइड पे सारा कैंट ही कैंट है ऊपर तक, और कोई जनरल साहब यहाँ बैठते हैं। अच्छा, सारी NCP गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी यहाँ कैसे मिसाल दूँ? अच्छा, यहाँ से भाईजान ने कहा था कि आप नीचे उतर जाएं। ये वाली गाड़ी जो है वाइट वाली आ रही है, ये गाड़ी आपको 9 लाख रुपए की मिल जाएगी तकरीबन। थोड़ा सा पुराना मॉडल, नया मॉडल जिसका 12 का मिल जाएगा, लेकिन ये गाड़ी अगर आपको वहाँ चाहिए तो 25 लाख, पता नहीं इतना ही। एनीवेज टैक्स नहीं है तो इसलिए। अच्छा, 3 घंटे का रास्ता है तकरीबन, 60 किलोमीटर, और गगूश जगह का नाम है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गगूश। वहाँ जाना है मुझे, लेकिन एक गलती हो गई है मेरे से, मैंने अपना एयर पंप कैरी नहीं किया, वेरी बिग मिस्टेक। तो अब देखो क्या होता है, जो भी है ऐसी है गुलगित। ओह, ब्रेक 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 ब्रेक, ये डिस्क ब्रेक के मज़े हैं, चेक किया आपने कैसे ब्रेक लगी है? चलो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि गगोश करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं आगे गिज़र नहीं जा सकता, थंडर वैली भी उसी तरफ है ना वाल पर, नहीं जा सकता। तो अगर वहाँ नहीं जा सकता तो फिर फ़ायदा क्या है? असल चीज़ तो वो है, वहाँ टेम्परेचर इस वक्त -7 है। वो भाईजान से पूछते हैं गगोश का रास्ता किधर है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ये गगोश का रास्ता किस तरफ है? गगोश चलो ठीक, शुक्रिया गगोश। ओके हो गया गगोश, आई एम कमिंग भाई। भाई यार इस चार्जर का बहुत फ़ायदा हुआ बिलाल भाई, जजाकल्ला माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बड़ा वाला। इसमें 2 पोर्ट्स हैं और इसकी चार्जिंग होल्ड करती है। पावर बैंक से जब मैं चार्ज करता हूँ, ये आपके लिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो वो जितनी जल्दी चार्ज करता है, फास्ट चार्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट, वो उतनी जल्दी लूज़ भी करता है। ये जो है ना, इसकी चार्जिंग मोबाइल पे नॉर्मल चार्जर जो हम वॉल चार्जर होते हैं उसी तरह की है, तेज़ चार्ज भी नहीं करता और तेज़ लूज़ भी नहीं करता। वेरी गुड थिंग, तो अ वेरी गुड डिसीजन, अच्छी परचेज़ हो गई पिंडी से, शुक्रिया बेहतरीन। चलो बंद करो, इसमें अब तकरीबन 45 मिनट हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं इस पर रिकॉर्ड कर सकता, मैंने डाटा लैपटॉप में नहीं किया, ये फुल हो जाएगा। तो बस काम की बात है, सिविलाइजेशन से बाहर निकल कर पहली जो आपको विल्डरनेस नज़र आती है वो ये है, गिलगित से गगूश की तरफ, गगूश। और ये ड्राई है भाई जी, ये तो 10 वाला सीन चल रहा है जी। इधर देखो तुड़ाई छुड़ाई हो रही है भाई, क्या चाहते हो? ख़तरनाक लग रहा है मुझे ये रास्ता, नॉट वेरी इजी, नो पीस ऑफ केक, बट इफ वी गॉट अ गो वी गॉट अ गो ब्रो। सामने ठीक हो गया ना? आहू इंजी है,
In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. यार रास्ता चेक करो एकदम, कितना खूबसूरत हो गया, खूबसूरत पिक्चर बनती है यहाँ। पता नहीं सूरज की लाइट इतनी नहीं आ रही, तस्वीर इतनी या तो ओवर एक्सपोज हो जाएगी या बहुत डार्क हो जाएगी। लेट्स मूव अहेड। ऐसे है कि यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि इसको हम के सिग्नल आगे आ रहे हैं, कहते हैं ये बिल्कुल साथ ही है यार, इधर आ रहे हैं, लेकिन नहीं है सिग्नल। मैंने घर पे नहीं बताया निकलते हुए, लिहाजा मैं सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, मुझे जहाँ पे सिग्नल मिले मैंने घर बताना। पानी का रंग जो है ना भाई, नीला नीला पानी, देखें ज़रा। अब ऐसा है कि गहकोश जगह का नाम, गहकोश गिलगित से तकरीबन 65 किलोमीटर है, और मैंने मेरे ख़्याल से 20-25 किलोमीटर कर लिया, लिहाजा देखो कोई अच्छी सीनरी लगी तो वहाँ से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एयर पंप भी नहीं है और ना ही मैं सब चीज़ें लेके आया हूँ। आगे टेम्परेचर जो है इट इज़ -7 गीज़र साइड में। अच्छा मैंने एक फैसला लिया है कि गहकोश जाने के बजाय, क्योंकि गहकोश अगर गए तो आगे गीज़र लाइक आगे भंडर वैली है वहाँ जाना पड़ेगा, क्यों ना इस एरिया में चले जाया जाए और इसको एक्सप्लोर करके वापसी का सफ़र शुरू किया जाए। मुझे यहाँ बड़ी अच्छी दरख्तियाँ नज़र आ रही हैं। गहकोश अभी 41 किलोमीटर है, शरोट है ये जगह, इधर हम ऊपर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और यहाँ हमें नीले पीले पत्ते मिल जाएंगे जिनकी तलाश में हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप मुझे बताएं कि इधर वो जगह है जहाँ पीले दरख्त लाइन में लगे हों बंदा तस्वीर खींच ले जाके? इधर हो जाएगा यार, आगे जाओ ऊपर, पास ही है, सीधा चलता जाऊँ? चलो बहुत शुक्रिया भाई। ओह लेट द फोन बिगिन। हीरो 4 पर ओ चेक कर जाए सामने का नज़ारा, प्लीज चेक करें, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ रुक कर हम फोटो ना लिया तो जिंदगी क्या जिया, इसको ना ब्यूटीफुल यार, दिस इज सो गुड। हाँ जी, अकेले? बस अल्लाह की जमीन देखना जी। हाँ जी अकेले, अकेले। तो आपने कुछ खाना पीना कुछ हमारा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, घर है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोई ऐसी सड़क है यहाँ जहाँ इस तरह के दरख्त तोड़ो ज्यादा? सारे तो हमारे सारे हैं, और ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं फिर जरा आगे से होके आता हूँ। जज़ाकअल्लाह। यही तो मज़ा है। मैं खाना खा के निकलूँ, गिलगित रुका था मैं, खाना खा के आया हूँ, बहुत शुक्रिया।
अभी और क्या चाहिए आप लोगों को, सोलो किंग, खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत लोग, दैट्स व्हाट वी नीड टू पोर्ट्रे पीपल टू इंटरनेशनल वर्ल्ड. वी आर नॉट टेररिस्ट, दिस कैट इज नॉट अ टेररिस्ट. क्या बात है. यस, लेट्स टेक फ्यू मोर फोटोज, मेक सम स्मॉल वीडियोज फॉर इंस्टाग्राम एंड देन वी लीव. ठीक है. यस, पूरे गांव के अंदर से बाहर निकलूं तो आगे ये नज़ारा है. खूबसूरत नहीं है क्या ये, क्या कहते हैं आप इस बारे में? लेट्स टेक अ पिक्चर हियर, रुक के बाइक बंद करके. यार क्या जगह है ये, खूबसूरत, 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 खूबसूरत. चलें ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले साल. तुफैल भाई हैं, YouTube वगैरह पे देखते हैं आप क्या? आपको भी डाल देना मैंने बीच में. ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़. चलो जी, हैड अ नाइस चिट चैट विद लोकल. हेलो बेटा, कोची कोची को, अस्सलाम वालेकुम जी. शरोट जगह का नाम है शरोट, तो अगर आप यहाँ आएँ तो फिर आप आ जाएँ. मुझे क्या, मुझे क्या, ये देखो छलियाँ सूखने के लिए पड़ी हैं, छलियाँ. हाँ जी वापस हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, तस्वीरें तस्वीरें ले ली मैंने. अच्छा मुझे बताएं, अगर किसी ने यहाँ रात को रुकना हो जी, जिसने आगे जाना है उसने रात यहाँ गुजारनी है, तो कोई जगह ऐसी है जहाँ रुक सकता है? यहाँ सरकारी जगह नहीं, किसी के पास रुक सकते हैं. अच्छा, रेस्ट हाउस कोई ऐसा सरकारी है? सरकारी नहीं है, होटल मोटल कुछ होटल कैंप आगे है. अगर कैंप लगाना हो किसी ने इधर अपना, कैंप लगाना हो तो कैंप के लिए इंशाल्लाह किसी का घर के नज़दीक या किधर किसी का जमीन है ना. अच्छा, लगा कर आप बैठ सकते हैं, लेकिन पूछ के, पूछ के मतलब बैठ सकते हैं. ठीक है, इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर दोबारा आऊँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह अल्लाह सेहत दे जी, अल्लाह सेहत दे, खुश रहे. जिंदगी होता नहीं होता, नहीं नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगले साल मिलेंगे. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़. यहाँ कैंप करना गिलगित में कैंप करने से ज़्यादा आसान है, हमजा में कैंप करने से ज़्यादा आसान है. देख लो भाई ऐसे ही चल रहा है, मुझे तो ये लग रहा है एक्सट्रीमली, क्या कहते हैं उसको, हेलो बेटा, क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट फ्रेंडली. आओ, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम. एक्सट्रीमली टूरिस्ट फ्रेंडली मॉल चल रहा है इधर इंडिया. ओए 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 ओए, यहाँ 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 यहाँ. अब मैं ऐसे करता हूँ कि कुछ तस्वीरें और खींचता हूँ, और ऐसे जगह दूर दूर हैं. आप फंडर वैली आपने जाना तो वहाँ, यहाँ से 4-5 घंटे हैं कह रहे हैं, अच्छा खासा टाइम है, और सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ को मद्देनज़र रखना. मेरा टाइमिंग जो है ना वो, भाई सब लोग कह रहे हैं आपकी टाइमिंग बहुत गलत है भाई, तो ये तो भाई हम भी मानते हैं. निकलने से पहले भी दोस्तों ने कहा कि क्या तेरा सीन है भाई, तू क्या है, मतलब पागल है तू, क्या सिठिया बिठिया गया क्या? लेकिन क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास अगर मैं इस वक्त ना आता यहाँ तो फिर मैं दोबारा तो अगले साल आ सकता था, लिहाजा जो एक्सपीरियंस मैंने भी कर लिया वो डिफरेंट है, वो अगले साल नहीं होगा, लिहाजा वो अगले साल और रिफाइंड हो जाएगा मुझे लग रहा है, मेरे पास सामान और ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन फिर अगर जून जुलाई में मैं आऊँगा तो मेरे पास जो सामान है वही काफ़ी है. अगर मैंने सर्दियों में आना तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा. अभी का प्लान ये है कि मैं इस टूर को जितना भी करता हूँ, लाइक अगर मैं इसको 30 दिन नहीं करता तो मैं इसको शॉर्ट करके वापस जाके जल्दी से जल्दी सारा कुछ अपलोड करके कराची और ग्वादर के लिए निकल सकता हूँ. सही है, मेरा वहाँ पे जाने का सीन है, और वहाँ कैंपिंग करना वुड बी इवन मोर डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट,
क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है ना इस तरह का सीन। और जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं रिजिड, मौसम की वजह से भी होता है। जिस तरह हमारी पुलिस और यहाँ की पुलिस में आपने डिफरेंस देखा है, क्या डिफरेंस है यार, वेरी 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 बिग डिफरेंस। ओ ऐसे है, अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ के लोग सलाम का जवाब बड़ी जल्दी देते हैं, वेरी क्विक, इट्स लाइक दे आर वेटिंग फॉर यू टू रेज योर हैंड एंड से हेलो। ठीक है, अनलाइक अदर एरियाज वेयर आई हैव बीन, लोग नहीं रिस्पॉन्स नहीं देते। यहाँ मेरे ख्याल से ड्रोन के शॉट्स ले लेने चाहिए, क्या कहते हो आप? What do you say about this insanely insane idea of mine? हैं? अच्छा। भाई जी ये होते हैं सर्दियों में कैंपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियों में कैंपिंग करने वाला सीन ये होता है, आप देख रहे हैं इग्लू, इट्स मोर ऑफ एन इग्लू, मोर ऑफ एन क्या, ऐसे ही इग्लू ही लग रहा जो मिलिट्री यूज़ करती है अप इन द माउंटेंस। एक्सट्रीम लेवल होता है भाई वो, एक्सट्रीम लेवल। एक दो फौजियों की ड्यूटी होती है उधर, क्या ही यार ड्यूटी है, सख्त है भाई ड्यूटी वो। जब आप K2 बेस कैंप करते हैं, मुसनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब में K2 कहानी में था, आप पर राज अफशा होते हैं कि कितना मुश्किल है बर्फ़ में आओ। लिहाजा कभी K2 बेस कैंप अगर किया, वो महंगा बहुत है यार, वो 70,000-80,000 रुपया, लाइक आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी राइट नाउ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वो। तो अगर वो हो सका कभी तो फिर बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही चैलेंज। हाँ मैंने अब मैं मे बी कल की वीडियो में या किसी वीडियो में मैं आपको अपना सारा सामान दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बाइक पर जो जो रखा हुआ है, वो अभी तक मैंने नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाइक खड़ी करके सामान बंधा हुआ होगा, सामान को उतारेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या रखा हुआ है मैंने। लला मेरा कमरा इस वक्त आप देखें तो लगता है जैसे पूरा घर उठा के लाया हूँ मैं। हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जगह जो है ना, रोड कई जगहों से कंस्ट्रक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इसका मतलब है यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, और यहाँ के अगर आप पहाड़ देखें तो वो ऐसे ही है भाई जी, लैंडस्लाइड चल रही है फुल टाइम। ये देखें ये रोड नया बना हुआ है पैच, आगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो गाड़ी आ रही है इसके लेफ्ट साइड पे ये वाला पैच, ये भी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ से इधर तक। तो जैसे जैसे लैंडस्लाइड होती जाती है वैसे वैसे वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, क्योंकि रास्ता तो बंद नहीं कर सकते ना। मुझे बहरहाल इस जगह पे सबसे ज़्यादा पैचेस नज़र आए हैं, इसका मतलब है जब अगस्त सितंबर होता होगा, बारिशें होती होंगी जुलाई अगस्त वगैरह में, इधर भी यही टाइम होता है गालबन, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती होगी यार, ये नो गो एरिया होता होगा। तो यहाँ आने का आइडियल टाइम जो है वो मई जून और स्टार्ट ऑफ जुलाई होता होगा, अगर मैं गलत हो तो मुझे आप बताएं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है आहो, अब मैंने इस तरह का एक ब्रिज देखा था, वहाँ से नीचे जाना है, इस वाले से नहीं आगे वाला जो आगे आ रहा है, और उधर जाके फिर हम ड्रोन के शॉट्स लेंगे। बस वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापसी का सफ़र जारी होगा। हाय खालिद भाई से मैंने क्लच की केबल ली हुई है एक्स्ट्रा, और मैंने क्लच चेंज करना भी उनसे सीख लिया था, वो पड़ी हुई है बीच में, वो भी मैंने चेंज नहीं, क्यों करूँ मैं मेरे से मैं नहीं कर रहा चेंज, पागल हो गया ऐसी है। चलो वो वाला ब्रिज है, ओए 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 ब्यूटी चल रही है नीचे,
यहाँ पर उतरना भी काम है क्योंकि रोड कच्चा है। रोड कच्चा है और थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन अच्छा ये ठीक है, ये बना हुआ उस वाले कब कच्चा था, लेकिन जाना तो है, हमने जाएंगे तो हम रोक सको तो रोक लो। यहाँ रुक के पिक्चर में लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बाइक को कौन पकड़ेगा भैया, हाँ कैसी बात करती हूँ। ब्रिज के ऊपर रुक के यहाँ पिक्चर हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भाई नहीं है। अगर पुलिस वाले भाई हों तो कहते हैं ओए ब्रिज के ऊपर फ़ोटोज़ नहीं लेनी, और वैसे भी यहाँ कोई ऐसी, इट्स नॉट अ वेरी सेंसिटिव ब्रिज। आपके जितने भी ब्रिजेस नॉर्मल रोड्स पर होते हैं दोज आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि वो आपका गेटवे होते हैं, तो वो जब भी देयर इज़ अ क्राइसिस तो दोज आर ऑन द हिट लिस्ट, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि ब्रिजेस की फ़ोटोज़ ले लो, लेकिन ऐसे हर जगह पे ना चढ़ाई पड़ो उसको, ठीक है। लेट्स टेक अ पिक्चर विद बाइक ऑफ माय सेल्फ, माय प्रिटी सेल्फ। अपनी पिक्चर में कहीं ले ही ना लूँ मैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पैसे वसूल होने वाले हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। इधर इतने ज़्यादा दरख्त लग रहे हैं ना मुझे कि मुझे लग रहा है कि कैश मनी बैक गारंटी आ रही है इधर से, मनी बैक गारंटी की फीलिंग। मुझे रह रह के ना अस्कोले याद आता है, अस्कोले जो है ना वो केटू जाते हुए, केटू बेस कैंप पे जाते हुए आखिरी गांव है, उससे आगे कोई आबादी नहीं है, तो उस गांव की जो सिग्निफिकेंस है ना क्या ही वो है। अस्कोले साले कुछ अस्कोले ओए पिक्चर, ये जो भी बताते हैं वो रास्ता ज़रा दूर होता है, कहते हैं कि आप ऊपर चले जाएं, वो नलतर नाले की तरफ जाता है यहाँ से कोई रास्ता, वहाँ पैदल भी चलना पड़ता है, फिर आगे वहाँ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दरख्त हैं इस तरह के पीले पत्तों वाले, लेकिन मैं बाइक नहीं छोड़ सकता, यू नो ऐसे ही है। चलो कोई नहीं, जब पैदल आएंगे तो फिर करेंगे दोबारा एक्सप्लोर। अभी बस रवानगी अख्तियार करते हैं। मेरे ख्याल से ये जगह ड्रोन उड़ाने के लिए अच्छी है भाई, ड्रोन उड़ने लगे, चेक करो।
अब बताओ कैसे हो, कैमरे में आ रहे हो, क्या करते हो? ये कपड़े धोते हो। और पढ़ते पढ़ते भी हो, कौन सी क्लास में? ये सिक्स्थ में। क्या बात है, बड़े होके क्या बनना है? फौजी बनेगा। ठीक है ठीक है यार, बेस्ट है, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, मेहनत किया करो। नाम क्या आपका? मोहम्मद बिलाल। आपका? इलियास। इलियास भाई, तस्वीर खींचे एक साथ, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, रेडी, चलो फिर मिलेंगे अगले साल, याद रखोगे मुझे शक्ल को, मोटरसाइकिल को, दोबारा आऊँगा, ठीक है, इधर ही रहते हो? चलो ठीक है, आगे रहते हो वो वाला गांव, ये लो एक आप ले लो और एक आप ले लो, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आप चलता हूँ वापस, अगले अगले साल आऊँगा ना तो इधर रुकूँगा रात को, ठीक है, है ना, उल्टा नज़र आ रहा है ना, ये देखो उल्टा है ना, चलो शीशा उठाओ, है ना, वजनी है ना ऐसे देखो, ऐसे उल्टा नज़र आ रहा है ना, है ना, पकड़ लो, वजनी, इससे आग भी लग जाती है, आग भी लगा देता है ये, ऐसे करें ना, सूरज आ रहा होगा ना, ये देखो नीचे, ये इधर ये इकट्ठी हो रही है ना रोशनी, ये बहुत गर्म होती है, अभी सूरज नहीं ना, सही बादल है, जब बादल नहीं होंगे ना, हाँ स्लिपर प्लास्टिक सब कुछ, और भी होते हैं छोटे छोटे होते हैं, हाँ वो होते हैं ना, वो वैसे होते हैं, लेकिन ये भी कर देता है। चलो मिलते हैं फिर अगले साल, मिलेंगे, उधर हो ना आप? तुम किधर से आए? लाहौर। लाहौर? हाँ। एक हो कि नहीं? एक हो। हाँ। और कोई साथी नहीं है? साथी इस दफा नहीं आए, साथियों को छुट्टी नहीं थी। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। भाई बहुत शुक्रिया, फिर दोबारा आऊँगा ना तो फिर पीऊँगा, फिर याद रखना मेरे मोटरसाइकिल को अब, ठीक है, ये लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है पक्का, हाँ यमहा, ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, स्वीट किड्स। अदनान भाई को ये वाला टूर बड़ा पसंद आता, वो कहते हैं कि आप कहीं जाएं तो लोगों से इंटरेक्ट करो, आराम आराम से चलो, भागते क्यों हो भाई, सही अप्रोच है, अच्छी है, कोई ज़्यादा फासला तय नहीं किया लेकिन दोस्त बहुत बना लिए, ओए होए होए होए, शायराना बात हो गई है। मैं एक चीज़ को बड़ी मुश्किल से मिस कर रहा था, लाइक शदीद से मुश्किल वाला मिस कर रहा था, और लेकिन आई जस्ट सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन्ट टू सीज इट, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने कहा है कि सीज द अपॉर्चुनिटी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन सम वीडियो पर्टिकुलरली मेड ऑन दिस सब्जेक्ट, सीज द अपॉर्चुनिटी, कि इसका मतलब क्या है इस बात का, और आपकी ज़िंदगियों पर ये चीज़ कैसे असरअंदाज हो सकती है, ये चीज़ ये सीज द अपॉर्चुनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट एंड आई विल ट्राई टू कवर इट इन सम वीडियो, लेकिन अभी तक के लिए आई एम गोना सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो टच दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, मतलब कि दरिया, ठीक है, ओह पार्किंग कोई नहीं पाई जी, यहाँ तो पार्किंग ही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लगाऊंगा ताकि मुझे पार्किंग मिल जाए।
प्लीज़ गिरना नहीं, ठीक है, आई बैग यू प्लीज़, तुम मेरा आसरा हो एक ही इस वक्त इन पहाड़ों में, कोई मेरा दोस्त नहीं है मेरे साथ, सो प्लीज़ बी अ गुड लैड जस्ट लाइक यू हैव बीन होल दिस जर्नी। यस यस, इस दरिया को हाथ लगाना है ना, ज़रूरी है। हेलो हेलो, ओके, हाथ लगाऊं? क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड क्रिस्टल क्लियर कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर नाजरीन, वेरी कोल्ड। यहाँ ट्राउट होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन कहीं दरमियान में ऐसे अंडरग्राउंड जा रही होगी, ऐसे तबाही की तरह। चलो चलते हैं, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कर लिया कर लिया, सब कुछ कर लिया। आई मैं इस रोड पे चलाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन ये बाइक जितना चल सकती है मैं चलाता हूँ। इसके लिए आई हैव अ ट्रेल बाइक, मिनिमम 250 cc, CRF 250 रैली या फिर CRF 250L, दोनों काम करेंगी। WR 250 भी हो सकती है यामाहा की, और सुजुकी कौन सी है, DR 250 है सुजुकी की। ट्रेल बाइक्स कावासाकी की वर्सेस 300 बड़ा अच्छा काम कर सकती है, ट्रेल नहीं है वो डूअल एडवेंचर है, ट्रेल भी चलेगी, एडवेंचर टूरिंग भी करती है। और उसके अलावा कौन सी है, सुजुकी की V-Strom 250 बहुत हैवी बाइक है, और वो मैं आप किसी प्रो से पूछे तो वो कहेगा क्या बाइक है यार ये, निकलो जैसे। तो यस, BMW ट्रेल बाइक्स नहीं बनाता, चेक करो उस कैटेगरी में है ही नहीं, ट्रेल बाइक्स नहीं है BMW की। एनीवेज लेट्स योलो। अगर आप अपना हेलमेट नीचे रखते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि कीड़े मकोड़े जो है ना वो आपके हेलमेट में घुस सकते हैं, लिहाजा दोबारा हेलमेट को जब पहने तो झाड़ लें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप नीचे रखें क्योंकि वो लेयर के अंदर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, ये ना हो कि आपको टेंट करवानी पड़े टूर के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, लॉलीपॉप हमने भी बड़े खाए, चॉकलेट बड़े क्लास में छुप छुप के खाना है, ऐसे नीचे बैठ सर करते हो ऐसे नीचे छुपते सर किधर से आए यार? शिरोट लाहौर। तस्वीर लेते हैं मेरे साथ, लोगे? नहीं 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 मोटर कितने का खरीदा था हमने? 1.5 lakh का। नहीं लेना तस्वीर, तस्वीर से तो कुछ भी नहीं होता। लो जी, वी आर बैक इन टाउन, बैग मेरा इधर उधर जा रहा है क्योंकि इसमें लेंस बॉल पड़ा हुआ है, इट्स वेरी हैवी, फोटो लेना है इसके साथ, कोई काम है, कैलोरीज बर्न करनी है, तो भाई जी लेंस बॉल लेके ना फोटोज लेना शुरू कर दें उसके साथ। आहो क्या कहता है ये, चल रहा है रिकॉर्डिंग, बसेन है ये, बसेन बसेन है इस जगह का नाम, गिलगित से एग्जिट होते हैं तो बसेन के जरिए आप। अच्छा लो जी, बैक एट आवर बेस कैंप, ये अच्छा बेस कैंप बना हुआ है हमारा। सो नाजरीन, इट्स गुड टू बी बैक। ये ताली मैंने ली थी 50 rupees की तो इट वर्क्स, क्या करना है फिर अब। और मैंने बैठ जाना आराम से, आज का एडवेंचर पूरा हो गया। एक तो यहाँ अच्छी बात यह है कि लाइट मिल जाती है,
सब कुछ चार्ज करना हो जो भी आपने, वो चार्ज किया जा सकता है। लिहाजा इट्स अ प्लस ऑन दिस एडवेंचर कि आई फाउंड दिस स्पॉट एंड ऑल थैंक्स गोज टू ज़ुल्फ़िकार भाई फॉर बीइंग सो नाइस टू मी एंड जीबी पुलिस ऑब्वियसली, क्रेडिट गोज टू यू गाइस। सुकून के वक्त चल रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। मुश्किल होता है ढूंढना स्पॉट, केयरफुली देखना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर इस तरह का मिल जाए तो वो गनीमत है, इट्स अ ट्रीट। ठीक है, तो मैं ये ट्रीट ले रहा हूँ। करदू दलतर स्टोर गीजर, दीज आर नो गो एरियाज, तो इट्स अ वाइज डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम देम। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जा सका अभी, मैं अगले साल चला जाऊँगा। मैं जाने के लिए वहीं आया था, वहीं जाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो सका तो चलो, हर काम में कोई बेहतरी होती है। हमजा में मुझे टेस्ट मिलना था असल में कि हाउ डज इट फील टू बी कैंपिंग इन माइनस ज़ीरो टेम्परेचर। तो माइनस ज़ीरो होता है नहीं, ज़ीरो बिलो माइनस, बिलो ज़ीरो, अच्छा जो भी है। तो उसको फील करने के बाद आई हैड टू मेक माई माइंड कि मैंने क्या करना है आगे लाइफ में। अफसोस है मुझे, स्कर्ट वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, सर्दियाँ बहुत है यार, बहुत सर्दी है, क्या बताऊँ आपको। इसीलिए मुझे कोई टूरिस्ट नहीं मिला अभी तक, कोई बस, आज मुझे कोई बस नहीं दिखी, मुझे कोई बाइकर नहीं दिखा, कोई गाड़ी नहीं दिखी अभी तक। तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि लोग नहीं आते इस मौसम, क्योंकि ठंड हो जाती है। अभी करता हूँ बाद में बात। अब ऐसे है कि कल का बोनलेस पड़ा हुआ, ये बोनलेस फाइनल अलग कर लिया था, क्योंकि भाई क्या तिक्का फरोशी बहुत ज़्यादा करता है, तिक्कियत करता है भाई। तो मुझे पता है कि वो बोनलेस को मैं अलग करवा लेता हूँ उसमें से, उस बाद में फिर। एनीवेज, फ्यूल मैंने इसमें डाल लिया, फुल कर लाया हूँ मैंने, क्योंकि बाइक का टैंक फुल करवाया हुआ था तो वो प्रेशर ज़्यादा था, मुझे आइडिया नहीं था। जब मैंने वो नोजल निकाला तो फ्यूल तेज़ी से निकला, सारा हाथ भर गया मेरा, नीचे गिर गया। फिर मैंने बाइक साइड पे खड़ी की पीछे करके, मैंने कहा कहीं सिगरेट कोई फेंकेगा तो वो। एनीवेज, ये भरा हुआ है, बर्तन धुले हुए। अब मैंने इस बोनलेस को नमक, काली मिर्च और नमक लगा के फ्राई करना है आज, मज़ा आने वाला है। एक बैड न्यूज़ ये है कि चिकन ख़राब हो चुका है बोनलेस। मुझे वो याद आ कि इन टू द वाइल्ड वो शिकार करता है, वो ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने शिकार नहीं किया था, मैंने ख़रीदी थी। एनीवेज, अब चूल्हे से उसको उतार देना, ज़ाया हो जाएगी वो, फीलिंग सैड। लेकिन मेरे पास अंडे पड़े हैं, अंडा डालूंगा, नमक मिर्च डालूंगा और अंडे खाऊंगा आज, यही चल रहा है बस। सॉरी चिकन जी, मेरी कैंपिंग की छोटी सी ट्रिप ये है कुकिंग की, कि अभी मेरे पास बर्तन सादा पड़ा हुआ है तो ये गर्म है, तो मैं इसको इसमें डाल के फिर खाऊंगा आराम से, उसी में खाया तो मैं जल वल मल जाऊंगा। ठीक है, बस खा लिया ये, मतलब खाऊंगा साथ इसके दूध के गिलास पीऊंगा, डिनर विल बी ओवर। और फिर मैंने सारा डाटा ट्रांसफ़र करना है लैपटॉप में, ये कार्ड खाली हो गया, इसमें सिर्फ 38 सेकेंड रह गए हैं और लंबा काम है वो उस।